हीट 2021 को लेकर ये वीडियो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि कब एग्ज़ाम होगी और क्या स्थिति है वर्तमान में। दोस्तों कल मैंने एक ट्वीट किया था, क्योंकि उस समय मैं सचिवालय में एक सक्षम अधिकारी उच्च अधिकारी के सामने बैठा हुआ था, तब मैंने रीट को लेकर चर्चा की, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि रीट की एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि हम परेशान हैं, दुखी हैं। तब उन्होंने अधिकारी ने कहा कि 25 जुलाई एक संडे वो खाली है, इसके अलावा अगस्त में कोई खाली नहीं संडे, और फिर सितंबर में हो सकती है एग्ज़ाम। उन्होंने ये अनुमानिक एक तारीख बताई, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी सीबीएसई की एग्ज़ाम 25 को होती है तो मुश्किल है, इसके अलावा सितंबर की ज़्यादा संभावना बताई। साथियों उसके बाद मैंने एक ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाया 18-25 जुलाई या सितंबर। लोग चिंता ग्रस्त हो गए, दुखी हो गए, कई लोग ये कह रहे थे कि सच है, सही है, लेकिन मैंने अनुमानित वो तारीख आप लोगों को बताई। लेकिन तमाम मैं उन 15-16 लाख जो लोग हैं अभ्यर्थी, उन तक एक मैसेज करना चाहूँगा कि साथियों जब मैंने ट्वीट किया था उसके बाद सीबीएसई का निर्णय हुआ कि सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं होंगी, आज बोर्ड की एग्जाम को लेकर कैबिनेट की मीटिंग है। तो साथियों सीबीएसई के एग्जाम नहीं होने से जो उस समय जो शेड्यूल बिजी आ रहा था, क्योंकि सीबीएसई की वजह से बिजी आ रहा था, अब अधीनस्थ बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यदि परीक्षाएं नहीं होगी तो फिर वो जुलाई अगस्त में कोई एग्जाम नहीं होने से वो समय मिलेगा। ऐसे में राज्य सरकार जुलाई अगस्त में विचार कर सकती है। लेकिन जब मैंने ट्वीट किया था उस समय जो परिस्थितियां अलग थी, यानी कि उस समय सीबीएसई की परीक्षा होने की संभावना थी, आप देख रहे थे लगातार सोशल मीडिया पे, मीडिया में चल रहा था, और राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी एग्जाम होनी थी। ऐसे में जो शेड्यूल जो अधिकारी ने मुझे बताया वो उस परिस्थिति के अनुसार बताया था कि 25 जुलाई या सितंबर में हो सकती है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि अब जिस प्रकार सीबीएसई ने रद्द कर दी है उस प्रकार आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती है, लेकिन फाइनल निर्णय नहीं है, अभी कैबिनेट की मीटिंग में इसका फाइनल निर्णय है। इसलिए साथियों जुलाई अगस्त को लेकर भी सरकार विचार कर सकती है, क्योंकि उनके पास समय बच गया है। उस जो पहले परिस्थितियों में उस समय समय की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब शायद समय की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षाएं जिस प्रकार निरस्त की है कोरोना को महामारी को देखते हुए, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जुलाई अगस्त में जून और जुलाई में सरकार करा पाई। जून में तो होगी नहीं, लेकिन जुलाई में करा पाई। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर बता दूं, इस पर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी लेंगे, लेकिन संभावनाएं जिस प्रकार उच्च अधिकारी ने मुझे बताया वो सितंबर थी उस समय की परिस्थिति के अनुसार। लेकिन मेरे ट्वीट के बाद परिस्थितियां बदली, यानी कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द हुई और अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर फैसला हो रहा है। तो ये जो स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदलती है उसके अनुसार निर्णय भी बदल जाते हैं। कुछ लोग कहने लगे कि पहले ट्वीट क्या किया, अब क्या ट्वीट किया। भाई मान लीजिए घोषणा सितंबर में कर दी, मान लीजिए अगस्त में कर दी और कोरोना आ गया और फिर रद्द कर दी, तो वो परिस्थितियां बदल सकती है, कोई नहीं कह सकता यार। अब मैं बिल्कुल सुरक्षित आपके सामने खड़ा हूँ, 2 मिनट में एक्सीडेंट में मारा जाऊं तो ये कोई कह सकता है कि यार अभी तो खड़ा था कैसे मारा गया। वो परिस्थितियां कोई नहीं कह सकता। जिस समय मेरे अधिकारी से बात हुई उस समय परिस्थिति ये थी कि 25 जुलाई की उनके पास तारीख है, इसके अलावा अगस्त में नहीं है, फिर सितंबर में। जो चीज़ ट्वीट के माध्यम से मैं आपकी समस्या हल करने की कोशिश की थी, लगातार आप लोगों ने मुझे मैसेज कॉल किया था, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था, मैं मेरे स्टैंड से नहीं बदला, जो उच्च अधिकारी से बात हुई थी वही मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ संभावना सितंबर की ज़्यादा है, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ही निर्णय लेंगे, क्योंकि यदि सीबीएसई के बाद राजस्थान बोर्ड की एग्जाम नहीं होती तो उनके पास जुलाई अगस्त का महीना भी होता है। यदि सामान्य स्थिति कोरोना की रहती है तो सरकार उन महीनों में विचार कर सकती है, लेकिन फाइनल निर्णय अभी सरकार को करना है। लेकिन ज़्यादा संभावना है सितंबर की, जो तमाम अभ्यर्थी है वो तैयारी में जुटे रहे। एक चीज़ और बता दूँ कि इसी वीक में मैं कोशिश कर रहा हूँ दिशा निर्देश जारी हो जाए, फॉर्म रीओपन हो जाए, और जून के महीने में आवेदन प्रक्रिया जो रीओपन होना है वो वापस पूरे हो जाए, आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाए, जिससे जल्द से जल्द परीक्षा तिथि घोषणा हो सके, पद बढ़ेंगे तो सबका फायदा होगा। मेरे लिए बीएड और बीएसटीसी दोनों सम्मान है, मैं उस मैटर से पहले हट चुका था, लेकिन हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। पद की संख्या बढ़ाई था तो बीएड को भी फायदा होगा, बीएसटीसी को फायदा होगा, उन लोगों से बच कर रहे। जो स्थिति थी मैंने आपको अवगत करा दिया, सब लोग इस अभियान में जुड़े, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी हो और जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। मैं व्यक्तिगत पूरा प्रयास कर रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी से समय मांगा, अधिकारियों से भी आज मैं निर्णय दूंगा कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी वीक में, आज कल परसों का भी, इसी वीक में आदेश जारी हो जाए कि इतनी तारीख से फॉर्म रीओपन होंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और